हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेर कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब देश के सभी प्राणी संग्रहालय हाई अलर्ट पर है। इसी के चलते शहर के महाराज बाग के लिए भी नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसके चलते अब उन्हें और सावधानी बरतना जरूरी है। एक और जहां देश में कोरोना ने इंसानों की नाक में दम कर रखा है, वहीं दूसरी ओर अब इस महामारी ने जानवरों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। देश में शायद पहली बार हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेर कोरोना संक्रमित पाए गए। सूत्रों ने बताया कि 29 अप्रैल को सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क के अधिकारियों को मौखिक बताया कि आरटीपीसीआर टेस्ट में 8 शेर पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद ही देश के सभी प्राणी संग्रहालय हाई अलर्ट पर है, जिसके चलते शहर के महाराज बाग के लिए भी नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसके बारे में महाराज बाग प्रशासन के अधिकारी डॉक्टर सुनील बावस्कर ने अधिक जानकारी साझा की। त्या स्टाफला जे काय कोणी जर आजारी असलं तर त्याला सक्तीची रजा देतो आहे। जे काय आपल्याकडं ऑलरेडी काही जण तसे संक्रमित स्टाफ जो होता त्यांना ते सुटीवर आहेत, जे येतात त्यांचं आपण व्यवस्थित स्क्रीनिंग करून त्यांना काळजी घेतो आहे आणि आता पुन्हा त्यांचं सगळ्यांच्या आरटीपीसीआरच्या टेस्ट करायचं प्रयोजन आहे। सरकारनं जे सांगितलं आहे गेल्या 1.5 वर्षात ज्या काय केंद्र सरकारच्या थ्रू केंद्रीय चिडियाघर प्राधिकरण यांच्याकडनं ज्या काय गाईडलाईन्स आहेत त्यांच्यात हेच आहे की सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा, पर्सनल हायजीन मेंटेन करा, सॅनिटायझेशन वापरा, हँडग्लोव्ज घाला, टेस्ट करून घ्या, इन्फेक्शन संपर्कात जास्त येणार नाही कोणी याची काळजी घ्या त्याच हिशोबानं आणि टेस्ट करून घ्या। त्या सगळ्या जे ह्या रोगाचे लक्षणं आहेत तेच दिसतील, त्यांना सर्दी होईल, त्यांना खोकल्याचा त्रास होईल। इस वक्त उन्होंने बताया कि महाराज बाग प्रशासन पूरी तरह से सजग है और संपूर्ण स्टाफ की यहाँ स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही जिन पिंजरों में जानवरों को रखा जाता है वो भी पूरी तरह से सैनिटाइज किए जाते हैं और पूरी तरह से सुरक्षा के साथ यहाँ साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।